में समाधि के जुटना चाहता हूँ, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, पवन मिश्रा, प्रकाश अम्बेडकर, अम्बेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक भोले वाले समाज को लूटकर उनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इस आंदोलन से बड़ी न मायावती है और इस आंदोलन से बड़ी न चंद्रशेखर आजाद है। अब मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूँ, जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती है, इस बात को आप लोग याद रखिए। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती। माननीय कांशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? आपको पता है उस महापुरुष ने आपको राजनीतिक हैसियत देने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता, उस समाज का कोई बल नहीं होता, और जिस समाज का कोई बल नहीं होता, उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार सुख चैन संपत्ति को छोड़कर इस समाज को अपना घर मानते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की थी। कोई बात नहीं, हम सब भाई तब तक काम चलाओ जब तक अपनी सरकार नहीं बनती। जब सरकार बन जाएगी तो सब साउंड ठीक हो जाएंगे। मैं तो आपको जुबान देके कहता हूँ कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, आपको लिख के दे रहा हूँ। और इस बात को अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कह रहा हूँ, अगर दोबारा जिस अम्बेडकर को माननीय कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित ना कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अम्बेडकर का वंश हूँ। आप क्या समझते हैं कि आप बहुत खुशहाली भरा जीवन जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप नहीं जागे, मेरा एक मिशन है, हमारा खुद का एक मिशन, मैं इस देश में सामाजिक एकजुटता चाहता हूँ। जब ये मंच सामाजिक है तो मैं कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को, माननीय कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, पवन मिश्रा, प्रकाश अम्बेडकर, अम्बेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। मैं आज इस मंच पर अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक भोले वाले समाज को लूटकर उनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? हमने पिछली बार 4 महीने के लिए अपने घर को छोड़ा, हमने इस बार 28 महीने के लिए संकल्प लिया। मुझे आज अपना घर छोड़े हुए, मुझे आज अपना घर छोड़े हुए 28 जुलाई को मंजीत भाई, 28 जुलाई को मैंने अपना घर छोड़ा था। मेरे घर में भी मेरी माँ, मेरे घर में भी मेरे पिताजी है, जिन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था कभी, जिन्होंने ईद बात बात कर अपने इस आंदोलनकारी बच्चे को बहुत कम उम्र में इस समाज के लिए समर्पित कर दिया था। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूँ कि अगर समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, अगर इस समाज के ऊपर कोई आंखें उठाने का काम करता है, या मेरी माताओं बहनों को कोई गलत निगाह से देखने का काम करता है, तो अभिषेक अपने छोटे साथ को पानी पिलाने का काम करता है। और देखो, ये भी कहूंगा कि पार्टी का कट्टरपंथी छोड़ दो, कोई पार्टी तुम्हारे घर में खाने को नहीं दे रही है। अगर कुछ बड़ा है तो ये मिशन, ये आंदोलन बड़ा है। इस आंदोलन से बड़ी न मायावती है और इस आंदोलन से बड़ी न चंद्रशेखर आजाद है।